अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आयशा रानी रूटीन में बना रही हूँ स्वीट एंड सॉल्ट लोबिया। तो आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 3 अदद हरी मिर्च, 1 अदद प्याज बड़े साइज़ की, और यहाँ पर जो है मैंने कैन यूज़ किया है लोबिया का। और पैन में जो है वो मैं अब ऑयल डालूँगी, और ऑयल को चेक करने के लिए कि हमारा गरम हुआ है या नहीं, इसमें मैंने प्याज का एक लच्छा डाल दिया है। ऑयल गरम हो गया है तो इसमें प्याज ऐड कर दिए सारी हमने। और प्याज को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमें गोल्डन फ्राई नहीं करना है, प्याज को जो है मैं बस हल्का सा सौते करूँगी, क्योंकि प्याज भी अपना जो एक फ्लेवर देगी। और ये जैसे हमारे जब सालन में जो मुँह में आएगी हमारे खाने में, तो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर होगा, बहुत अच्छी लगेगी प्याज इस तरह से। तो इसलिए जो है मैं इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी। अब इसमें जो है वो मैं हरी मिर्च रख डाल दूँगी, और हरी मिर्च मैंने थोड़ी डाली है इसमें और थोड़ी अभी रोक ली है मैंने। और इस तरह से जो है हरी मिर्च भी हमारी फ्राई हो जाएगी प्याज के साथ। अब जो है इसमें नमक यूज़ करूँगी मैं, और नमक जो है वो थोड़ा कम यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि मैं जो कैन यूज़ कर रही हूँ वो स्वीट एंड सॉर है, तो उसमें नमक भी है और चीनी भी है, तो इसलिए जो है नमक थोड़ा सा मैं यूज़ कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से प्याज भी और हरी मिर्च भी फ्राई हो गई हमारी। अब इसमें जो है वो हम अपना कैन जो है हमारा लोबिया का वो डाल दिया है हमने, और इसमें जो है हमारी टोमेटो प्यूरी भी है, चीनी भी है, नमक भी है इसके अंदर, तो इसलिए मुझे चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं लोबिया को, और इसे भिगा कर और जैसे बॉईल कर सकते हैं आप लोबिया को। और आप इसमें जो है वो एक टमाटर जो है उसका पेस्ट बना के उसमें चीनी डालकर इस तरह से प्यूरी भी बना सकते हैं। और अगर आपको इजी इस तरह से, तो आप केन ले लें, और केन में जो है वो हमारे इस तरह से टोमेटो पेस्ट भी है, चीनी भी है इसमें, तो इस तरह से मेरे पास क्योंकि केन अवेलेबल था तो इसलिए मैंने इसमें ये डाल दिया है, और ये बॉईल है। आपको जिस तरह से सहूलत है, जो आपको इजी है, आप इस तरह से कर लीजिए। और ये बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसे जो है वो चपाती या रोटी के बग़ैर भी खा सकते हैं, ये स्पून से भी आप इसे चाट के तौर पे जो है वो खा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। और लोबिया वैसे भी जो है हमें यूज़ करना चाहिए लोबिया का, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है होती है, और इस तरह से हमें इसे जो है वो अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए लोबिया को भी, ताकि हमें जो है इसकी ग़िज़ायत भी मिले लोबिया की। अब इसमें जो है वो मैं काली मिर्च ऐड कर दूंगी, और इसे मैं बॉईल करूंगी, एक तरह से एक जोश आ जाए इसके अंदर, इतना पकाएंगे हम इसे। ढक कर रख दूंगी अब इसे मैं 2 मिनट्स के लिए। आफ्टर 2 मिनट्स ये देखिए इसमें जोश आ रहा है, तो अब इसे हम जो है वो डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।